सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ ट्रैम के शोरूम पे एंड मेरे सामने खड़ी है ट्रैम की स्पीड 400 लेटेस्ट वाली। यहाँ ट्रैम इधर देखेंगे, स्पीड 400 एंड ये स्पीड 400 माई 25 एडिशन है। तो इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, उसी की अपडेट से रिलेटेड आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ जानकारी जो आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस में आपको मिल जाएगा 2,90,000, 2,95,000। क्योंकि सिंपल सी बात है, गाड़ी में कुछ चीज़ें चेंजेस हुए तो सिंपल से प्राइस इंक्रीज़ हो गया। पहले का जो प्राइस था आपको 2,80,000 तक जाता था, अब 2,90,000 कर लीजिए, तो मतलब 10 से 5,000 का डिफरेंस आपको उसमें हो गया प्राइस में। तो सबसे पहले फिर आपको बताता हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको उसमें 398 cc का और मिल जाता है आपको 40 bhp की टॉर्क मिल जाता है, 37 nm का। एंड फिर फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, फ्रंट का कुछ ऐसा लुक है। अपडेट्स बताता हूँ अपडेट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो भाई ये देखेंगे, यहाँ पर इसमें आपको मिल गए भाई एडजस्टेबल अप लाइक अ क्लच एंड ब्रेक्स, दोनों आपके एडजस्टेबल हो गए हैं। देखेंगे इधर क्लच एंड ब्रेक्स, आप दोनों देख सकते हैं 5 स्टेप एडजस्टेबल है। सेकेंड अपडेट बता देता हूँ, सेकेंड अपडेट देखेंगे तो यहाँ टायर आप देखेंगे, पहले के जो टायर की ये जो विड्थ थी ना वो थोड़ी कम थी, अब ये थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो टायर साइज़ में दिखाता हूँ आपको क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा टायर साइज़ 110/80 R17। तो ये कुछ टायर साइज़ इंक्रीज़ हुआ है फ्रंट का एंड रियर का दोनों। तो रियर टायर साइज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रियर का भी आप टायर प्रोफाइल चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़ा बल्की दिख रहा है, थोड़ा लुक आ रहा है गाड़ी का। तो ये रहा पीछे का रियर टायर साइज़ 150/70 R17 के अलॉय व्हील्स, मैट फिनिश है। हाँ, आपको इसमें वाइट एंड ग्रे कलर का थोड़ा सा स्टिकरिंग मिल जाएगा। ये इसका सेकंड अपडेट था। थर्ड अपडेट इसमें है कि इसमें आपको मिल गए हैं लाइक अ कलर्स ऑप्शन, लाइक अ 4 color option है, जिसका ब्लैक है। एंड इधर आप देखेंगे यहाँ पे खड़ा है उसका एक रेड वाला कलर ऑप्शन, एक येलो है एंड एक वाइट है। तो वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो मेरे सामने अभी ब्लैक खड़ी थी क्योंकि एज इट इज़ मेरे को ब्लैक पसंद है। तो वही मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे और एक और अपडेट बताता हूँ, इसकी सीट देख रहे हैं, सिंगल सीट थी पहले भी, अभी भी सिंगल सीट है। चेंजेस क्या हुए हैं कि इसकी सीट हाइट जो है ना वो पहले से इंक्रीज़ हो गई है। पहले जो इसकी सीट हाइट थी ना वो आपको पड़ती थी 790 mm की, ठीक है, वो अब बढ़ा के कर दी गई है 805-806 के समथिंग कर दी गई है। एग्जैक्ट जितनी होगी मैं मेंशन कर दूँगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो वही है, थोड़ी सी सीट हाइट में इंक्रीज़ हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले 170 थी, तो सीट हाइट में इंक्रीज़ हुआ है। तो मे बी साइज से हार्डली अगर ऐसा हुआ होगा कुछ चेंजेस, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा। आई थिंक 170 के समथिंग ही होगी, क्योंकि सीट हाइट में क्या किया लोगों ने, कुशनिंग थोड़ी सी अच्छी कर दी और थोड़ी बेटर कर दी है। तो देख सकते हैं कुशनिंग काफ़ी अच्छी की है, तो इस वजह से सीट हाइट इसकी इंक्रीज़ हुई है। तो ये अपडेट्स इसमें आए हैं, बाकी एज इट इज़ सेम है गाड़ी का फ्रंट लुक की आपको दिखाता हूँ। उस पहले तो की कुछ ऐसी मिल जाएगी, शानदार सी की है। इंसर्ट करते हैं की को एंड ऑन कर देंगे तो कुछ इस तरह का इसका हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा। हैज़र्ड इसमें ऑन करेंगे तो ये रहा कुछ इस तरह का LED सेटअप मिल जाएगा, LED हेडलाइट मिल जाएगा, LED टर्न सिग्नल्स मिल जाएगा। रियर में भी चलते हैं, रियर व्यू भी आपको मैं साथ ही साथ चेकआउट करा देता हूँ। तो रियर में आप देखेंगे तो रियर में वही ट्रैम के लोगों के साथ इसकी टेल लाइट मिल जाती है बड़ी शानदार। एंड इधर साइड टर्न सिग्नल्स, नीचे रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट के लिए LED लाइट्स थोड़ी सी वाइट करके आपको दिख जाएगी। तो ये रहा। अरे एक और अच्छी बात क्या है कि अगर मैं इसका इग्निशन ऑफ कर दूंगा तो भी इसके लाइक हैज़र्ड वर्क करते रहेंगे। हैज़र्ड ऑफ करने के लिए आपको गाड़ी को अगेन से ऑन करना है एंड देन उसको करना है ऑफ, फिर यहाँ से हो जाएगा ये ऑफ। बाकी हाई बीम लो बीम के लिए तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए ये हरा हाई बीम लो बीम। तो ये थोड़ा फ्रंट सेटअप जो कि सेम एज इट इज़ पुराना ही है। फिट एंड फिनिश देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे नंबर प्लेट की माउंट मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें इसका आपको मिल जाता है USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो कि बड़े ही शानदार है। ये फाइबर का है अगेन से। बाकी टायर साइज़ भी एक बार मैं फिर से मेंशन करता चलता हूँ कि मैं फिर से दिखा ही रहा हूँ। तो टायर साइज़ भी जैसे कि आपको दिखा दिया 110/80 R17 ये चीज़ चौड़ा कर दिया, तो ये काफ़ी बल्की और थोड़ा अच्छा लुक दे रही है। सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है डुअल डिस्क एंड डुअल ABS। इधर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके डिस्क एंड ABS दिख जाते हैं। क्वालिटी और सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया है। सस्पेंशन में देखेंगे यहाँ पे आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड ये रहा इसका कुछ रेडिएटर ग्रिल लाइक 400 cc का जब इंजन है तो ठंडा करने के लिए इस हिसाब से अच्छा खासा बनाया गया है। यहाँ पर होगी हॉर्न की पोजिशनिंग,
ये रहा इसका लेग गार्ड, लाइका का भी जैसे आप गिरी गिरे ना, क्रैश ना हो आपकी गाड़ी, बट सेफ्टी के लिए आपको लेग गार्ड आपको मिल जाता है। एक अपडेट भी बता देता हूँ, साथ में एग्जॉस्ट भी दिखाता हूँ मैं। इसका एग्जॉस्ट जो है पहले आता था लाइका, थोड़ा सा आपने देखा होगा इस मटेरियल में आता था एल्यूमिनियम टाइप का, बट अब वो हटा के पूरा आपको मैट ब्लैक फिनिश में दे दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लगाया गया है हल्का सा वही पुराना वाला मटेरियल, बाकी मैट ब्लैक कर दिया है। तो मैं तो भाई ब्लैक लवर हूँ, तो मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। वो पहला वाला भी अच्छा था, बट ये मेरे को ज़्यादा मुझे सही लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी ये रहा इसका इंजन, जो कि आपको मिलता है लिक्विड कूल के साथ, DOHC 4 वॉल्व वाला। ये रहा इसका लिक्विड कूल वाला इंजन। वो इंजन में भी देखेंगे आपको डायमंड कट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे TR सीरीज 400 CC, एंड यहाँ पर ट्रैम का लोगो। इंजन वाइज सेम एज इट इज़ फिनिश, और फिट एंड फाइन देखेंगे, फिनिशिंग भी देखेंगे। तो ट्रैम ट्रैम लिखा है हर जगह, यहाँ पे भी आपको ट्रैम लिखा हुआ मिल जाएगा। इधर साइड कुछ ये रहेगा लोग। सस्पेंशन की अगर बात करें तो पीछे से आपको मिल जाएगा मोनोक्रॉस सस्पेंशन, जो कि प्री लोड एडजस्टेबल वाला रहता है। ठीक है, ये भी बहुत ही शानदार है। टायर भी देखिए, टायर काफ़ी ह्यूज है, टायर का पैटर्न बड़ा बढ़िया लग रहा है, कि 150 सेक्शन का जो टायर है ना, वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा बल्की और अच्छा ब्रॉड लुक दे रहा है। चेन सेटअप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको राइट साइड चेन सेटअप मिल जाता है, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको डिस्क कैन ABS की पोजिशनिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है सारी गार्ड, इसको आप निकाल दीजिए, लुक आपका थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। छोटा सा है टायर, अगर आपको नहीं मिलता कि पीछे का ये इतना थोड़ा अच्छा खासा ठीक है कि आपको टायर बर्ड से बचा लेगा। बाकी ये रहा इधर, इसमें सेंटर स्टैंड मतलब पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं है। सभी साइड स्टैंड 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आती है, एंड वही एक डाउन, बाकी सब आप इधर स्पीड 400 की बैचिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैम का लोगो मिल जाएगा, सेम वही इंजन। फिर अगर बात करते हैं टैंक पर आते हैं, तो टैंक इसमें आपको मिलता है 30 लीटर का। तो 30 लीटर की टैंक कैपेसिटी बताते हैं, इसका जो माइलेज है ना, वो आपको अब अच्छे से चलाएंगे कायदे से, खूब ज़्यादा रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो 20 से 25, और थोड़ी ऐसे कर सही चलाएंगे तो 25 से 30। ठीक है, ये आपको माइलेज इसमें निकलेगा टैंक कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी टैंक का जो फ्यूल गैप है वो देखेंगे, थोड़ा सा ऑफसेट साइड है, पहले की जैसा ही E20 सपोर्ट मिल जाता है। पेंट की अगर फिनिशिंग आप देखेंगे तो इधर ब्लैक है, इधर सिल्वर है। ट्रैम देख लो भाई, क्वालिटी तो भाई पेंट की फिट एंड फाइन भाई एक नंबर है। पीछे साइड यहाँ पे ग्रैबलर सीट देखेंगे भाई, एकदम मस्त स्टिचिंग की है, बढ़िया लग रही है, शानदार। एंड सीट की कुशनिंग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है, इसी वजह से सीट हड्डी बढ़ गई है। फिर आते हैं हैंडल बार पे, तो हैंडल बार पे आएंगे सबसे पहले तो आपको इसमें मिल जाएंगे बारियन मिरर्स, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी लग रही है। आप इधर से देखें ब्लैक एंड यहाँ पे सिल्वर कुछ इस तरह का, ये रहा हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड। ये रहा इसका मल्टीप्लेट स्लीपर एसिस क्लच, जो कि आता है अब एडजस्टेबल 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ। इधर भी लाइक ब्रेक्स एंड क्लच दोनों ही आपके एडजस्टेबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपको हो गया पासिंग स्विच, इधर आप देखेंगे लाइक हाई बीम लो बीम वाला, इधर इन्फो बटन, यहाँ पर हो गया इंडिकेटर, यहाँ पर हो गया हॉर्न, इधर हो गया फ्यूल स्विच, यहाँ हैज़ार्ड, यहाँ ऑन ऑफ का। बाकी गाड़ी को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें भाई, सेम एज इट इज़ वैसे ही है, सेमी डिजिटल कह लो या एनालॉग टाइप का, जो आपको उसमें स्पीड मिलती है वो आपको एनालॉग में मिल जाएगी, और बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिजिटल में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो गया इंजन चेक लाइट, यहाँ हो गया इंजन फ्यूल का, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, गियर पोजिशन और फ्यूल। लाइक इंजन अभी ऑफ है, इंजन को ऑन करते हैं तब देखिए अब आपको पूरी डिटेल और दिखाएगा। साइड स्टैंड पर लगा है तो साइड स्टैंड कट ऑफ वाला सिस्टम भी है, तो वो भी आपको अभी दिखा ही रहा है। बाकी इन्फो बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे साइड आपको किलोमीटर दिखा रहा है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दिखा रहा है, क्योंकि और एक्स्ट्रा कोई फीचर्स तो है नहीं यहाँ पे, आप यही देख सकते हैं यही बटन है। तो इसको प्रेस करने पे ट्रैक्शन कंट्रोल आई थिंक मे बी होल्ड करता हूँ, कुछ नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा भाई। ठीक है, बाकी यही है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का है भाई, कौन सा चार्जिंग पोर्ट है। लाइक इसमें आपको मिल जाएगा सी टाइप, ये देखिए सी टाइप, यूजली टाइप नहीं मिलेगा। तो ये रहा, इसमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा आपको सी टाइप, थोड़ा सा एडवांस। बाकी फिर मैं आपको हैज़ार्ड जला के गाड़ी का ओवरऑल एक बार लुक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी लग रही है। ट्रैम की स्पीड 400 MY25 एडिशन, अपडेट्स मैंने बताई दिए, सीट हाइट इंक्रेज हो गई है। ठीक है, जो कि आपकी पहले 790 थी वो अब 806 805 कर दी गई है। टायर का साइज़ है वो इंक्रेज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइक एडजस्टेबल मिल जाते हैं क्लच ब्रेक्स, एंड बाकी तो क्वालिटी एज इट इज़ सेम जो पहले थी वही है।
देखो भाई इसमें मिला है आपको राइड बाय वायर का सिस्टम, ये है राइड बाय वायर वही पुराना बढ़िया। ये है यार ट्रैम स्पीड का येलो कलर, जैसे कलर ऑप्शन बताया था ना, ये येलो कलर है इसका। बाकी और कलर थे नहीं, हमने ब्लैक दिखा दिया, येलो दिखा दिया, रेड दिखा दिया आपको, ठीक है। ये येलो और वाइट के साथ मिक्स है ये कलर, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कलर है। बाकी ये रही गाड़ी का ओवरऑल ऑफ व्यू, चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वॉक, तब तक के लिए बाय बाय।